नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर, इस वीडियो के अंदर कौन सा कंपनी है। फर्स्ट कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज को ध्यान रखना कि इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखना कि कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है करीबन 1,90,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का मार्केट कैप कोई छोटा मोटा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर अभी भी बिजनेस स्टार्ट ना होने के कारण कंपनी के जो आरओसी है, आरओई है, दोनों ही आपको कुछ दिखाई नहीं देंगे। कंपनी का जो पी रेशियो है वो बहुत आपको हाई दिखेगा, क्योंकि जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो एडजस्टमेंट होगा तब इस सारे चीजों को आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं ट्रेड कहाँ पे लिया था और कहाँ तक मेरा टारगेट है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, दो तरीके से ट्रेड मुझे मिला। पहली बात, यहाँ पे इस रेंज तक आया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, ऊपर गया और फिर से देखिए यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे एक सपोर्ट बना, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे मेरा टारगेट बना। तो इस जगह पे मैंने एंट्री लिया था और मैं अब जब एंट्री बना था तब भी मैंने वीडियो बनाकर शेयर किया और टारगेट तक मैं इंतजार कर रहा था, टारगेट भी अचीव हुआ। और ये फर्स्ट टारगेट था, फर्स्ट एंट्री मिला था, फर्स्ट टारगेट मिल चुका है 28% के आसपास। नेक्स्ट एंट्री फिर से हो चुके है, कफ विथ हैनेपटेंस बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, रिटेस्ट करने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि कंपनीज के ऊपर जब भी आप काम करने के लिए चाहेंगे तो कंपनीज के परफॉर्मेंस के साथ साथ टेक्निकल्स को भी आपको समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ परफॉर्मेंस अच्छा खासा है तो निवेश कर लूंगा, ऐसे मत करिए। क्योंकि ब्रेकआउट लेवल में जब ब्रेकआउट होता है ना, जब बहुत दिनों के बाद किसी लेवल को ब्रेक करते हैं तो बहुत तेजी से वो ऊपर जाने का कोशिश करते हैं। हाँ, ऐसे 100% नहीं है कि हर कोई कंपनी तेजी से भागेंगे, कुछ कुछ कंपनी ब्रेकआउट होने के बाद फिर से गिर जाएगा, उसके बाद बहुत टाइम लगाने के बाद वो टारगेट को अचीव करेगा। तो कहने का मतलब है इस कंपनी हाई ग्रोथेबल कंपनी है, तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा धमाका इसलिए हुआ क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस लेवल में स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था। इस तीनों रेजिस्टेंस को कंपनी फाइनली हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। जब इस ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने वीडियो बनाकर शेयर किया, जब भी इस नीचे लेवल को रिटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और मेरे हिसाब से जिस तरीके से वॉल्यूम हो रहा है वो इजिली टारगेट को अचीव करेगा। अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक देखूं तो 22% के आसपास टारगेट फिर से मुझे मिलने वाला है, जो 320 रुपीज के आसपास मेरा टारगेट बनेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू करूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है IRFC। देखिए, IRFC के बारे में सबसे पहले एक चीज आपको समझना पड़ेगा, इस कंपनी फाइनेंस कंपनी से बिलोंग करता है और इंडिया में जितने सारे फाइनेंस कंपनी है उनमें से अकेला एक ऐसे कंपनी है जो 100% पैसा मार्केट से उठा पाते हैं। देखिए, फाइनेंस कंपनी का काम क्या है, पहले खुद लोन ले उसके बाद दूसरों को लोन दे। तो कंपनी ने कितना लोन लिया, कंपनी का जो लोन है वो अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी है लोन का, बोरिंग्स कितना है, 4 लाख करोड़। जो पहले 70,000 करोड़ था 5-7 साल पहले, अभी वो बढ़ के 4 लाख करोड़ हो चुके हैं। और रिजर्व कितना था, 5,000 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के कितना हो गया, 34,000 करोड़। तो अलग लेवल का एक रिजर्व यहाँ पे देखने को मिले। तो इक्विटी कैपिटल के बारे में बात करो तो 3,500 करोड़ से 13,000 करोड़ तक बना। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो टोटल कर्जा है उस कर्जे से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है वो देख लीजिए, कंपनी का सेल्स जितना हुआ, एक्सपेंस कंप्लीट करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ते चले गए। आप कहेंगे सर कंपनी तो फाइनेंस कंपनी है तो आप इंटरेस्ट का कॉलम कहाँ पे गया, तो इंटरेस्ट कहाँ पे गया, तो इंटरेस्ट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि कंपनी 100% पैसा मार्केट से उठा पाते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट का, जो कंपनी खुद के जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिला 5,000 करोड़ के आसपास, और जिसके चलते कंपनी की एक ही रेंज के ऊपर 1,000 से 1,600 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमेशा देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी के जो टोटल कैश इक्विपमेंट है, कंपनी के हाथ में जो कैश है वो कितना है, 10,700 करोड़। इस पैसे से कंपनी खुद के लोन को मिटा नहीं पाएंगे क्योंकि कंपनी फाइनेंस कंपनी है, वो जितना लोन लिया है उस लोन को
अलग अलग कस्टमर को दिया है, और बेसिकली वो रेलवे गवर्नमेंट कंपनी को ही लोन देते हैं, तो उसमें डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आज नहीं तो कल गवर्नमेंट से उसको पैसा मिल ही जाएगा। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना, और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। और इंस्टीट्यूशन भी देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने तो माल बेचा, मगर FIIs ने क्वांटिटी को ऐड किया, और ज़्यादा क्वांटिटी इस दोनों के पास इसीलिए नहीं है क्योंकि प्रोमोटर के पास ही 86% होल्डिंग्स है। जब प्रोमोटर माल बेचेंगे तब उसका फायदा डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन उठाने का कोशिश करेंगे। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या है। देखिए फाइनली यहाँ पे एक रेंज बना था, और इस रेंज के बाद मुझे लग रहा था कि अपसाइड ब्रेकआउट करेगा, तो एक बड़ा अपसाइड ट्रेंड के हिसाब से मैं एंट्री लूंगा, मगर अपटर नहीं गया और नीचे साइड में डाउन साइड में आया, और यहाँ पे कुछ टाइम बिता रहा है। और दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी का सपोर्ट बना था, उसको ब्रेक डाउन करके नीचे आया, रिटेस्ट करने के लिए गया होगा, अगर फिर से ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा सा फॉल दिखेगा, अगर ऊपर साइड में इस जगह पे कुछ टाइम होल्ड करे और ब्रेकआउट करके बड़ा जम देखने को मिल भी सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डेविस लेबोरेटरीज। तो डेविस लेबोरेटरीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था जहाँ पे मैंने एंट्री लिया। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी आपको आसान होगा, मैं एक बार लिख लेता हूँ डेविस लेबोरेटरीज जो है इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा कंपनी इसके ऊपर क्या हुआ। यहाँ पे एक शोल्डर, एक बार नहीं कंपनी के ऊपर एक बार शोल्डर, दो बार शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, और फाइनली इस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, मगर ब्रेकआउट अभी तक इसके ऊपर कन्फर्मेशन नहीं मिला। तो जो सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले उस सिचुएशन के बेसिस के बारे में बात करूँ तो कंपनी यहाँ से रीबैक करके अगर फिर से एक बार शोल्डर पैटर्न कम्प्लीट करे और ब्रेकआउट करे तो सोचिएगा पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा ऊपर जाने का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकआउट और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शोल्डर बनने से कंपनी का कॉन्फर्मेशन बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जो ऊपर साइड का टारगेट होगा वो प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे बनेगा, तो इसका हायर पॉसिबिलिटी है अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो क्या सही में कंपनी के ऊपर धमाका होने वाला है, तो इसके लिए फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखना पड़ेगा। पहले क्वार्टर रिजल्ट दिखा दूँ तो कंपनी का 1700 करोड़ से 1800 करोड़ तक कंपनी का सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे उसके बेसिस में नेट प्रॉफिट 300 करोड़ से 350 करोड़ तक बना, मतलब कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ। ऑब्वियसली प्रॉफिट में पहले जितना ग्रोथ हो रहा था उतना ग्रोथ अभी तक हुआ नहीं, जिसके लिए कंपनी में उतना ज़्यादा ब्रेकआउट सिचुएशन अभी तक देखने को नहीं मिला। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है, बैलेंस शीट, यहाँ पे 1 रुपया भी कंपनी कर्जा नहीं लिया। हाँ आप कहेंगे सर 5 करोड़ का तो कर्जा है, आप तो बता रहे 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया। देखिए जो कंपनी का मार्केट कैप करीबन 96,000 करोड़ है, 1,00,000 करोड़ का कंपनी, उनके पास 5 करोड़ का कर्जा है, तो क्या इसको कर्जा लग रहा है? मान के चलिए आपके जेब में 1,00,000 रुपया है, तो उनमें से किसी को बोला जाए कि आपको 5 रुपया देना पड़ेगा तो क्या आपको कोई दिक्कत होगा? 5 छोड़िए, 500 तक छोड़िए, 5,000 तक भी देना पड़े तो भी आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है तो कर्जे को उस तरीके से देखिए, और रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, 2,000 से 12,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, तो अलग लेवल में रिजर्व बढ़ा। CWIP में अच्छा खासा पैसा कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता हुआ देखने को मिले। कंपनी के हाथ में कितना कैश है, कैश एक्चुअली कंपनी पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट किया है। और सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे जो एक चीज देखने को मिला, कंपनी के डेटर्स डे, जो कंपनी के ऊपर 97 डेज लग रहा था, 104 दिन लग रहा था, वो घट के हो चुके 84 डेज। मतलब कंपनी कितने दिनों में कस्टमर से पैसा का उठा पा रहा है, जो प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा है वो पैसे कितने दिनों में उठा पा रहा है, यही इसी चीज को कहा जाता है कि डेटर्स डे। तो डेटर्स डे जितना कम होगा उतना ही कंपनी का कैश साइकिल्स जो है कंटिन्यू रहेंगे। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, अभी एक पॉइंट्स और भी बाकी है। डेविस लेबोरेटरीज के ऊपर जो बिजनेस है वो किस बेसिस में चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, और कहाँ पे चल रहा है सबसे ज्यादा वो दिखाऊंगा। यूरोप में 40% कंपनी का बिजनेस चल रहा है, USA में 28%, एशिया में 13% और इंडिया में 11%। तो बाहर की कंट्रीज में अगर कंपनी ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहा है इसका मतलब ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है। कंपनी जो जेनेरिक मेडिसिन है उसमें 49% काम कर रहा है, साथ ही साथ कस्टम जो मतलब सिंथेटिक्स है तो उसके ऊपर कंपनी 41% और बाकी जो न्यूट्रिशन है तो उसके ऊपर 10% के आसपास कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के हर पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है NMDC। NMDC इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और एक गवर्नमेंट कंपनी है,
70,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और एक माइनिंग कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर फिर से एक बार बोनस के अनाउंसमेंट हो चुके हैं, क्योंकि सॉरी डिविडेंड के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। कंपनी 27 तारीख को आपको 5.5 रुपीज करके डिविडेंड देगा। तो कंपनी के डिविडेंड बहुत ज्यादा देते हैं। कंपनी का डिविडेंड का यील्ड है 2.76%। इसका मतलब किसी व्यक्ति ने अगर 1 साल में 1 लाख रुपए निवेश करके रखे थे तो उसको इस साल में करीबन 2,760 रुपीज करके डिविडेंड मिला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।